जय श्री सीताराम। 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक का ये समय, ये सप्ताह, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको इस सप्ताह का राशिफल बता रहा हूँ और हमेशा की तरह, मुझे पता है हमेशा की तरह आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं राशिफल के, क्योंकि देखिए मैं ज्योतिष भी सिखाता हूँ, आपको पता है। यदि आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, अकू जोश, और अभी तो थ्रेड पर भी अवेलेबल हैं, वी एस एस्ट्रोलॉजी नाम से आपका हमारा ये चैनल है या फिर पेज है। तो इसमें मैं ज्योतिष के सिखाने के वीडियोस डालते रहता हूँ, वास्तु से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ, राशिफल मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी टिप्स मैं आपको देता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद किए जाते हैं, राशिफल। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि राशिफल जो है उसको दिमाग नहीं लगाना है, मतलब आपको जो बताया आपने वो सुनना है ना, मानना है। और ज्योतिष सिखाने के वीडियो में वीडियोस वही देखते हैं जिन्हें दिमाग लगाना है, जिन्हें सीखना है ना। तो किसी का हो सकता है सीखने में इंटरेस्ट ना हो, किसी का ऐसा है कि भाई हमें सीखने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो आप बता दीजिए, हम तो कंसल्टेशन ले लेंगे। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो हर किसी का अपना अपना एक प्रायोरिटी होता है। तो राशिफल देखने वाले, राशिफल सुनने वाले, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, चाहे वो मासिक राशिफल हो, साप्ताहिक राशिफल हो, वार्षिक राशिफल हो, चाहे वो राशि परिवर्तन के राशिफल हो, इसके व्यूवर्स, इसके दर्शक बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा भी हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो इंटरेक्शन होता है, कॉमेंट्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और कॉमेंट्स जो ज़्यादा आते हैं उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि आप मुझे कहते हैं कि सर आपने जो बताया वो हम पर सटीक बैठा या सटीक बैठता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा कहते हैं, आपको तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ क्योंकि आपने ऐसा कहा। लेकिन भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ कि अब मेरी वाणी पर, मेरे गले पर बैठ करके आपके लिए ये शब्द बुलवा देते हैं। हालांकि देखिए मेहनत तो हर जगह ज़रूरी है। आपको ये जो राशिफल मिलते हैं इसके पीछे मेरी 2-3 दिन पहले की कड़ी मेहनत होती है, लेकिन मेहनत भी ठीक है, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता, मेरा मानना ये है। तो मेहनत तो की है, लेकिन पहली है प्रभु की कृपा, फिर मेहनत और फिर आप लोग का प्रेम। क्योंकि आप लोग यदि मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ हम पर सटीक बैठा राशिफल, तो फिर और बनाने की इच्छा होती है। यदि आप लोग इतना प्रेम ना करते, ऐसा कॉन्फिडेंस ना देते, तो फिर क्या होता है ना, एक इच्छा नहीं होती है, अपने कंसल्टेशन दो और काम खत्म करो, फिर ऐसा रहता है। लेकिन आप लोगों के प्रेम के कारण और इच्छा और इच्छा और इच्छा बढ़ती जाती है और आप तक ये राशिफल पहुंचाने का जज्बा, खुशी, उत्साह और ज़्यादा बढ़ता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके राशिफल के बारे में बात करते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका राशि है उस राशि के आधार पर समझते हैं। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ देखिए, मैं कई सारे दर्शकों से सुनता हूँ कि सर आपका राशिफल हम पर सटीक बैठ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये बात सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो राशिफल है ये हजारों लोगों के लिए है, ये करोड़ों लोगों के लिए है ना। आपकी पर्सनल कुंडली मैंने अभी तक नहीं देखी है, आपकी पर्सनल कुंडली देख करके मैंने आपको नहीं बताया है। आप में से वो दर्शक जिन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखा चुके हैं, ऑब्वियसली वो उस पर ज़्यादा विश्वास करें, और जो मुझे अपनी कुंडली नहीं दिखा चुके हैं वो ये राशिफल को ऐसा लें कि ये सार्वजनिक तौर पर है, ये सामान्य तौर पर है। यदि आप इस सप्ताह कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं तब तो आपके लिए राशिफल ठीक है, लेकिन यदि आप इस सप्ताह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ खरीदी होगी, कुछ जीवन का निर्णय होगा, कोई स्वास्थ्य संबंधी निर्णय होगा, पारिवारिक निर्णय होगा, जो भी है, यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो मेरी आपको सलाह यहाँ पर ये रहेगी कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं और उसके बाद ही वो निर्णय लें। लेकिन रोजमर्रा के जीवन के लिए राशिफल आपके लिए बिल्कुल सटीक रहते हैं और अच्छे रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है, ये सप्ताह आपको लाभ करवाएगा, ये सप्ताह आपको कुछ दिलवाएगा, कुछ दिलवा कर जाएगा। ये सप्ताह आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं
आप जिसके लिए ट्राई कर रहे हैं, आप जिसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं, जिसके इंतजार में लंबे समय से हैं, उसे ये आपको दिलवाएगा। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि लाभ के योग हैं। लंबे समय से जिस भी चीज का आप चाहते हैं, जिस भी चीज के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो आपको मिले, इसके योग हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब वो पढ़ाई लिखाई में भी हो सकता है, वो आपके नौकरी व्यवसाय में भी हो सकता है, वो आपके बिजनेस में भी हो सकता है, वो आपके परिवार में भी हो सकता है, वो आपके स्वास्थ्य में भी हो सकता है। हर तरह से लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पारिवारिक सुख यहाँ पर मुख्यतः मिलेगा, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति यदि कहीं पहले खराब हो गई थी, या देखिए परिवार में कहीं मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो मतभेद, वो आर्ग्यूमेंट्स मुझे आपके यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बात है। हाँ, तो हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा वक्त है ये। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, हाँ, ये बात अच्छी नहीं है कि मन में एक डर, एक भय बना रहेगा, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस प्रकार का डर मन में आपके बना रहेगा, तो इसको आपने निकालना है। हाँ जी, ये डर को, ये गंभीरता को आपको निकालना है। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिकली तो आपके साथ मुझे सब अच्छा दिखता है, लेकिन यदि मेंटली आप नेगेटिव सोचते हैं, तो यदि प्रैक्टिकली अच्छा हो भी जाता है, तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। लाभ नहीं उठा पाएंगे मतलब, जैसे मान के चले मैं अभी बैठा हुआ, बिल्कुल गद्दे वाला सोफा है मेरे पास जिस पर मैं बैठा हूँ, एसी चल रहा है मेरे पास, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं किसी और चीज के टेंशन में हूं, तो क्या मुझे ये गद्दा फील होगा? क्या मुझे ये एसी फील होगा? नहीं फील होगा ना। तो मेरे पास है चीज प्रैक्टिकली, लेकिन लाभ नहीं उठा पाऊंगा। तो बस उस लाभ की मैं बात करूं, तो प्रैक्टिकली लाभ के योग है। मेंटली हो सकता है आप चिंता ज्यादा करें, आप तनाव ज्यादा करें, आप परेशान ज्यादा हों, जिसकी वजह से आपके लाभ में, मेंटली लाभ में कमी देखने को मिले। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पॉजिटिव रहिए, इसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। तैयार कैसे करते हैं? पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से। बड़ों से आशीर्वाद जब लेते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। देखो वो क्या आशीर्वाद का एक टेक्निक है, माथे पर वो हाथ रखते हैं, हम पैरों पे हाथ रखते हैं, एक साइकिल बनता है, उस सबको छोड़ दीजिए भाई। यदि कोई आपको पॉजिटिव वाइब्स भी दे रहा है ना, और एक नहीं, 2, 4, 5, 6, 8, 10 जन आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं, तो वो वाइब्स ही आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाएगी। तो बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। हाँ, इसलिए कहते हैं बड़ों के पैर छूना चाहिए, है ना, वो भले सर्किट बनाए ना बनाए, हाँ, लेकिन वाइब्स ही अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है। ठीक है, चलिए मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं। यह वक्त आपको सफलता दिलवाने के लिए आया हुआ है, यह वक्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है, यह वक्त आपको, आप जिस क्षेत्र के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप लंबे समय से लगे हुए हैं, उस क्षेत्र में आपको लाभ करवाने के लिए आया हुआ है। हाँ जी, तो अच्छा समय है आपके लिए भी, अच्छा समय है। एक बात का केवल आपने ध्यान रखना है, लंबी दूरी का यदि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो खुद व्हीकल चला करके ट्रेवल ना करें। हाँ, खुद व्हीकल चला करके आपने ट्रेवल नहीं करना है, खुद खासतौर पर लंबी दूरी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हाईवे पर जाना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो और ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। देखो, ट्रैफिक रूल्स का, यातायात नियमों का पालन हम सभी ने करना है, मैंने भी करना है, हम सब ने करना है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, पालन हम नहीं करते और हमें कुछ नहीं होता, तो फिर हमें लगता है कि वाह जी वाह। तो ये एक जुए की तरह है, एक बार खेला जीत गए तो अब हर बार ही जीतते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हर दिन हमें ट्रैफिक नियमों का पालन हम हर किसी को करना चाहिए, लेकिन आपसे मैं वृषभ राशि वालों से कहूंगा, स्पेशली आपको इस सप्ताह तो करना ही चाहिए।
वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है। लेकिन यदि हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, आपके रिजल्ट्स की बात करें, आपके एग्जाम्स की बात करें, आपके नौकरी की बात करें, आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट्स की बात करें, आपके अप्रेजल की बात करें, आप कुछ स्थानांतरण चाहते हैं उसकी बात करें, है ना, आपके बिजनेस की बात करें, धन के लाभ की बात करें, इन सारे दृष्टिकोण से समय अच्छा है, सफलताकारी है, उन्नतिकारक है, आगे बढ़ाने वाला है, हाँ, तो इसमें समय अच्छा है। मन तनाव में रह सकता है, थोड़ा थोड़ा चिंता में रह सकता है, तो चिंता तनाव से बचने का प्रयास करें, है ना। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा, आपके घर परिवार में मतभेद हो सकते हैं, हाँ, इस सप्ताह, इस बात को ध्यान रखिए, इस बात पर गौर कीजिए, इस बात से बचिए कि आपके घर या परिवार में मतभेद हो सकते हैं। हाँ जी, तो बोल देखो, मतभेद कैसे होते हैं, मतभेद तब होते हैं जब या तो हम वो काम करें जो परिवार वाले नहीं चाहते, या परिवार वाले वो काम करें जो हम नहीं चाहते, या हम वो कुछ बोल दें या परिवार वाले कुछ बोल दें, तो जुबान और कर्म, ये दो से मतभेदी आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो कर्म तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, आप भी रखिए, सामने वाले परिवार वाले भी रखें तो ऑब्वियसली अच्छा है, हालांकि आपका किसी और पर बस नहीं, लेकिन कम से कम आप तो रखें, हाँ, मिथुन राशि वाले तो रखें, तो ये एक बात है। हालांकि इसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं हमें सर जस नहीं मिलता, हाँ, हम बहुत परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमें उसका रिटर्न नहीं मिलता, तो हो सकता है कि ये सप्ताह आपको ये फीलिंग और बढ़ा दे, यार मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में ये चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हाँ, हर किसी, हर कोई आध्यात्मिक हो जाए ना, हर कोई ये जीवन है हमारा, लेकिन इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है, इस जीवन के बाद भी हमें कहाँ जाना है, यदि इसके पीछे भी हर कोई लग जाए इस जीवन के साथ, तो मैं समझता हूँ कि जीवन की मैक्सिमम समस्याएं खत्म हो जाए, मानसिक तौर पर तो खत्म हो जाए, तो आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए यदि कहीं ऐसी स्थिति हो रही तो, और या फिर पर्सनल कुंडली दिखाना चाहिए। स्थानांतरण के योग हैं, आपका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो, मतलब यात्राएं हो, तो यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी, इवन यदि पैसा कहीं फंसा था, किसी ने लिया था, उधार लिया था, तो वो भी आपको वापस दे दे, लौटा दे, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। उधार वापस आना बड़ा मुश्किल टास्क है, खासतौर पर मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी को यदि उधार देता हूं, और शुरू से, आज नहीं, शुरू से, जब से मैं पैसे कमाने लगा हूं, मैं किसी को उधार देता हूं तो मेरे पास उधार या तो आता नहीं है, और आता तो 100 रुपया दिया है, उसमें से जो है वो हद हो जाए तो 80 रुपया आ जाए तो भगवान का शुक्रिया। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, उस किस्मत को बदला जाना बहुत आसान नहीं होता है। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो रेमेडी कर करके किस्मत बदल लूँ, लेकिन रेमेडी कर करके आपकी किस्मत नहीं बदल सकती है। रेमेडी जैसे बारिश हो रही तो बारिश बंद नहीं कर सकती, छाता दे सकती है, तो प्रोटेक्शन दे सकती है। तो अब मुझे ये चीज़ पता है कि भाई मेरी किस्मत ऐसी है तो मैं प्रोटेक्ट रहूँ ना, मैं क्यों ही फिर गलती करूँ बार बार और फिर उपाय करते बैठूँ, है ना। तो आपके लिए भी यही सलाह मैं कहने वाला हूँ, करने वाला हूँ कि पैसा तो खैर आपको अभी तो मिल जाएगा, लेकिन भविष्य में क्या होता है ना, हर बार हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आपने जो पैसा दिया वो मिल जाए, तो पैसा किसी को दो तो या तो दान कर दो, हाँ, और या तो फिर मत ही दो। चलिए, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये समय आपको लाभ करवाएगा, ये समय आपको ये समय आपको सहयोग दिलवाएगा। मेरा हमेशा से ये कहना है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि हम बिना सहयोग के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम कितना भी कह लें कि किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन हम झूठ कहेंगे, है ना। हम, हो सकता है कि हम, कोई हमारा सहयोग कर रहा है और हम बदले में उसका सहयोग कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सहयोग तो हमें सबको लगता है। तो सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा, और खासतौर पर मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ,
रिश्तेदारों का, मित्रों का सहयोग मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से यदि कहीं समस्या चल रही थी तो समस्या खत्म होती हुई नजर आती है, पैसा कहीं फंसा हुआ था, कहीं लोन चुका नहीं पा रहे थे तो वो लोन चुकाना आप शुरू कर देंगे, पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो आपको वापस से मिल जाएगा। नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं तो उसके भी योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और बिजनेस इस सप्ताह अच्छा काम करेगा और बिजनेस में आपके अच्छी ग्रोथ के योग मुझे दिखते हैं। हाँ, यात्राओं के योग भी हैं, अब ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। जो देखिए, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं। तो ये वक्त बहुत अच्छा है, हर दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करें, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात करें, सारे दृष्टिकोण से समय आपके लिए मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आप तो बस मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकली यदि आपको कुछ चीज़ मिल भी रही है और मेंटली यदि आप पॉजिटिव नहीं है तो उस प्रैक्टिकली अब मिलने वाली चीज़ का आनंद आप नहीं उठा पाएंगे। हाँ, आप ऐसी में बैठे हुए हैं, गद्दे पर बैठे हुए हैं लेकिन आप टेंशन में हैं तो वो ऐसी गद्दे का कोई मतलब ही नहीं मिलेगा, समझे आप मेरी बात को। तो आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा समय है, उन्नतिकारक समय है। कर्क राशि कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बात करेंगे तो पारिवारिक सुख मिलेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, पारिवारिक साथ मिलेगा, परिवार का भरपूर सहयोग आपके लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है, तो एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे दिखती है यहाँ पर। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात अब मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी, सिंह राशि वाले ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स सिर्फ इसलिए आते हैं कि सर हमें शेयर मार्केट में निवेश करना है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, आपके लिए कहूँगा कि ये वक्त शेयर मार्केट में निवेश करवाने वाला है, ये वक्त आपके लिए मुझे आपके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट्स से लाभ करवाने वाला दिखता है। हाँ, तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करिए और लाभ लीजिए। मन में एक नर्वसनेस रह सकती है लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली समय अच्छा है। फिजूल का डर भी यदि मन में बना हुआ है तो डरिए मत, पॉजिटिव वक्त आपके लिए रहेगा, है ना। परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे विवाह करना चाहते हैं तो इस सप्ताह या तो आपकी खोज पूरी हो सकती है, नहीं तो आप खोज शुरू करें, लड़का या लड़की देखना शुरू करें तो आप करें, बहुत अच्छा, बड़ा ऑस्पिशियस, बड़ा शुभ या ये माह भी है और ये वक्त भी है, ये सप्ताह भी है, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। खोजिए आप, ये इस वक्त आप लड़का या लड़की देखने के लिए निकलिए और लंबे समय से देख रहे हैं तो ये सप्ताह आपको खुशखबरी दे देगा, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है सिंह राशि वालों के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, नौकरी में उन्नति या प्रमोशन के भी मुझे योग दिखते हैं। अधिकतर देखो फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, यही वक्त होता है प्रमोशन का, तो अच्छा समय मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, अप्रेजल के, है ना, धन की वृद्धि के दृष्टिकोण से अच्छा वक्त। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के लिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि एक चीज के लिए थोड़ा तैयार रहिए, और वो चीज क्या है, तो वो चीज है मतभेद। हाँ जी, मतभेद हो सकता है आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आप यदि रिलेशनशिप में हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके माता पिता के साथ, वो लोग जो आपके जीवन पे ज्यादा या तो आपके ऊपर निर्भर है या आप उनके ऊपर निर्भर हैं, या आपको जिनसे फर्क पड़ता है या जिनको आपसे फर्क पड़ता है, इनके साथ आपका मतभेद हो सकता है। हाँ जी, तो ऐसी स्थितियां
मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, कन्या राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। अब मतभेदों से कैसे बचा जाएगा? तो मतभेदों से बचने की एक तो रास्ता यही है कि चुप रहिए, हाँ वो काम कीजिए जो दूसरे चाहते हैं। भाई दूसरों का मतलब ये कि जैसे मान के चले कि आपकी माता पिता को चाहते हैं, तो आपने वो काम यदि कर दिया एक बार तो ठीक है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। तो दूसरों का मतलब मैं दूसरे अड़ोसी पड़ोसियों की, समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अपनों की बात कर रहा हूँ, पति पत्नी बच्चे और माता पिता की, कई बार सगे भाई बहन की। तो यदि आप मतभेदों को रोकना चाहते हैं तो भाई इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, व्यर्थ का तनाव हो सकता है तो व्यर्थ के तनाव से बचिए। और आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। और यदि कहीं आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और दूसरी नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छे योग आपके बनते हुए नजर आते हैं। और ये समय, ये योग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, आपको लाभ करवाने वाले होंगे, हाँ जी। तो अच्छा समय है, उन्नतिकारक समय है, पॉजिटिव समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। परिवार, पारिवारिक दृष्टिकोण से जरूर मतभेद हो सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अन्यथा पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य में मन ज्यादा लगेगा, धार्मिक रुचि ज्यादा बढ़ेगी, ज्योतिष के प्रति भी रुझान बढ़ सकता है, ये भी एक बात है, तो अच्छी बात है। और यात्राओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा, हो सकता है धार्मिक दृष्टिकोण से आप यात्राएं कर रहे हों, हो सकता है आप पारिवारिक उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हों, हो सकता है आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, जिन उद्देश्यों से आपकी यात्राएं हो रही हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और नए दोस्तों से मिलना जुलना होगा, या अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो जाए, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। या एग्जैक्टली चलो तय ना हो, लेकिन आपकी खोज पूरी हो जाए, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ चलिए, तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं, ये समय, ये वक्त, ये आपको सफलता दिलवाएगा, ये समय आपको आगे बढ़ाएगा, ये वक्त जिन उद्देश्यों से आप मेहनत कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसमें आपको आपको वो उपलब्धि दिलवाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आपको ना थोड़ा परेशानी होगी, परेशानी का मतलब ये कि भाग दौड़ ज्यादा होगी, हार्ड वर्किंग ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, ये एक जरूर से मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए समस्या बनती हुई नजर आती है, ये एक बात जरूर है। अन्यथा नए विचार आपके मन में आएंगे, नए विचारों पर जब आप चलेंगे तो आप अच्छे से चल पाएंगे, और आप नए विचारों के पर यदि आप चलते हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं तो जिन विचारों पर आप चल रहे हैं उनमें आपको सफलता भी मिलेगी, हाँ जी मिलेगी, लेकिन लेकिन देरी से हो सकता है या परेशानी से हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो देरी या परेशानी या डिले, मतलब रुकावटें आपको आ सकती है, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी, ये भी मैं आपसे कह देता हूं। तो सफलता के योग भी हैं, ठीक है। तो एक बात ये, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, अच्छा।
अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं और धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थान परिवर्तन के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह में जाना, हाँ, या स्थानांतरण लेना या फिर लंबी यात्राएं करना। मतलब लंबी यात्राओं का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आप कुछ लंबे समय के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए कहीं जा रहे हैं, कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कई लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, कई लोग किसी जगह पर एक एकांतवास जिसको कहते हैं उधर जाते हैं, तो एक लंबी यात्रा करते हैं। तो लंबी यात्राओं के योग मुझे आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं और एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप जिन देशों से यात्राएं कर रहे हैं या जो स्थानांतरण की आपकी वजह है उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी यात्राएं बिल्कुल सफल होंगी, शुभ होंगी, सफल होंगी और नए दोस्तों का मिलना जुलना होगा, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। भाई बाहर कहीं जाते हैं यात्राएं करते तो ऐसा तो होता ही है, तो ये भी एक बात है। और नहीं भी यदि आप बाहर जाते हैं तो भी आपके लिए नए दोस्त नए रिश्तेदार बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, बिजनेस के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आप बिजनेस में यदि कहीं नया निवेश करते हैं आप, तो उस दृष्टिकोण से भी यह वक्त अच्छा है। और आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप रिजल्ट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला ये वक्त है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला ये वक्त है। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, आगे बढ़िए। धनुराशि, धनुराशि के बाद मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए एक बात कहने वाला हूँ कि संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, या धन को लेकर के, पैसे को लेकर के, महंगी वस्तुओं को लेकर के, कोई कोई धरोहर आपके पास रखी हुई है जो कि आपके परिवार की भी है, जिसमें आपके परिवार का भी हक है या वो मानते हैं उनका हक है, तो उसको लेकर के कुछ वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है। ये एक बात मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। हालांकि वाद विवाद एक अलग चीज है और आपकी सफलताएं, आपको कोई नुकसान होगा क्या उसमें, ये एक अलग चीज है। तो नुकसान के योग नहीं है, आपकी सफलताओं के योग है। मतलब ये कि मान के चलें कि किसी संपत्ति या किसी वस्तु को लेकर के वाद विवाद हो रहा है कि भाई ये उनकी है और आप बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारी है, तो वो आपकी निकल कर आएगी, ये हम कह सकते हैं। हाँ, या आपको उसका लाभ मिल जाएगा, हम ये कह सकते हैं, ये एक बात है। अच्छा, शुभ समाचार के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, शुभ संदेश आपको यहाँ पर मिलेगा, ये भी एक बात है। तो ऑल ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है, ये समय आपके लिए अच्छा है। मतभेद या वाद विवाद जरूर हो सकते हैं लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, बड़ा लाभकारी है, बड़ा लाभ दिलवाने वाला है और आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, चलिए मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं और इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डगमग हो सकता है, परेशान कर सकता है, ये मेरी एक बात का आप जरूर ध्यान रखें। एक बात, व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, तो भाई वाद विवादों से निकलने का प्रयास करें। कैसे निकलते हैं? दूर हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं, उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब जहां वाद विवादों में फंसना जरूरी है, जैसे अब राम जन्मभूमि, अब हम ये कहें कि वाद विवाद के योग हैं, वहाँ के वकील साहब को और वहाँ की कमेटी को हम कहें वाद विवादों से निकलिए, तो ये क्या सही बात है? अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्यों निकले भाई वाद विवादों से, हमारा हक है। तो अब ये आपको देखना भी पड़ेगा कि कहाँ वाद विवादों से निकलना है, कहाँ मुझे फंसना है, कहाँ उसमें घुसना है। लेकिन अपनों से वाद विवाद नहीं किया जाता, ये बात तो है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चों से वाद विवाद हो ये अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ा सा देखिएगा। हालांकि धन के दृष्टिकोण से समय लाभकारी है, आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नतिकारक समय है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल का समय है यदि आप चाहते हैं तो, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा बढ़ाने वाला समय है। आगे बढ़ेंगे आप और ज्यादा उन्नति करेंगे और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। हाँ, चलिए कुंभ राशि,
कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें, अपने खर्चों का ध्यान रखें। हाँ, एक चीज ये है, कहीं आपने निवेश किया है, कहीं रिस्की निवेश किया है, तो वो भी आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो अभी निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का वक्त नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिए। मन में चिंता बनी रहेगी, चिंतित आप रह सकते हैं। अब ठीक है, हर किसी को चिंता बनी रहती है, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए, केयर करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, ये बात तो है। मैं कहूँगा कि वो चिंता परेशान कर देती है, बीमार कर देती है, केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, चिंता करना बिल्कुल भी अनावश्यक मैटर है, तो इसका ध्यान रखिए। हालांकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का सहयोग रहेगा। जब परिवार का सहयोग होता है ना, फिर चिंताएं बहुत कम हो जाती है। तो परिवार का सहयोग लीजिए भी, परिवार को बताइए भी। आप कोई बात छुपाते हैं ना, नहीं ये परिवार को नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगी, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, बताइए, बताना चाहिए आपको परिवार को। टेंशन हो जाएगा परिवार को, ठीक है टेंशन हो जाएगा, लेकिन आप परिवार होता भी क्यों है, साथ देने के लिए तो होता है, नहीं तो फिर अकेले ही रह लेते भाई। हम जंगलों में, हम घरों में, हम पहाड़ों पे जाके अकेले रह ले फिर। हाँ, परिवार में होते ही क्यों है, बच्चे पैदा करते ही क्यों है, शादी करते ही क्यों है, पैसे तो करते हैं कि भाई मुसीबत में साथ देंगे और एंजॉय में साथ में एंजॉय करेंगे, यही तो है ना परिवार का मतलब। तो बताइए, खुद मन में मत रखिए, ठीक है, ये मेरी आपको सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने चर्चा की, और जो भी आपका राशिफल था मैंने आपको समझाया, आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।